जब से किया है दिलबर मैंने दीदार तेरा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, टेम्पलेट डाउनलोड का जो प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, टेम्पलेट डाउनलोड कैसे करी वो वीडियो पहले देख लीजिए। और अभी अगर इस तरह स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो अपना फोन पे, तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, ऐप का नाम है एबी प्लेयर। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एबी प्लेयर प्रो का लिंक दे दिया हूँ, उसी लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह वीडियो पाने के लिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐप डाउनलोड करने के बाद ये जो ऐप है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे ऊपर में जो बॉक्स होगा उधर को क्लिक करना है, उसके बाद नीचे बीच में लोड फ्रॉम फाइल आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, टेम्पलेट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको मेरा दिया हुआ लिंक से कोई भी फाइल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेम्पलेट डाउनलोड कैसे करें वो वीडियो पहले देख लीजिए। टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद जिस फोल्डर पर रहेगा उस फोल्डर को ओपन करना है, उसके बाद टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट का जो नाम रहेगा विजुलाइजर AP198। टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद देखिए लास्ट में जो बॉक्स है इधर आपको क्लिक करना है, उसके बाद बैकग्राउंड पे कुछ इस तरह आ जाएगा। ऊपर में सेकंड नंबर पे जो पेंसिल का आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे जो इमेज लिखा है उधर आपको क्लिक करना है, उसके बाद राइट साइड में इमेज पे क्लिक करना है, उसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आके पिक इमेज पे क्लिक करके इधर आपको इमेज सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस इमेज पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं इधर एक इमेज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसका लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखिए इधर लिखा रहेगा बार्स और बार्स का नीचे एक इमेज लिखा है तो उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लूआर, तो उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए इधर ब्लूआर इनेबल रहेगा तो इसको आपको अनटिक कर देना है। उसके नीचे लिखा है ब्लूआर इफेक्ट तो उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में अपीयरेंस लिखा है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए इधर एक ऑप्शन मिल जाएगा सोर्स कंपोजिशन इंडेक्स, तो ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर टच करना है। टच करने के बाद ये जो डॉट है तो इसको आपको लेफ्ट साइड में लेके आना है कुछ इस तरह का। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर में जो तीन लाइन है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लाइब्रेरी पे जाना है, लाइब्रेरी पे जाने के बाद इधर आपको गाना सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस गाना पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। गाना सिलेक्ट करने के बाद फिर से वही तीन लाइन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद विजुलाइजर पे जाना है। उसके बाद राइट साइड में ऊपर में जो एरो का आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद चॉइस प्रीसेट पे क्लिक करके इधर सबसे ऊपर में जो ऑप्शन आएगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आके इधर आपको एक्सपोर्ट पे ही क्लिक करके वीडियो सेव करना है, आपका जो वीडियो है फुल वीडियो में सेव होगा। अगर आपका वीडियो सेव में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या तो फिर टेम्पलेट लोडिंग के टाइम वार्निंग ओल्ड वर्जन करके कुछ इधर आ रहा है तो उसका बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए तब तक के लिए जय हिंद।